हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने आईबीसी सिस्टम में दो भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स कि प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है आईपीसी सिस्टम में, यह दर्शाता है, इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एंड कार्बन एटम्स। यह दर्शाता है प्राइमरी सफिक्स क्या दर्शाता है, कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच के बॉन्डिंग कहां पर मौजूद रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्राइमरी सफिक्स दिखाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो कार्बन एटम्स है उसके बीच का जो बॉन्डिंग है वह कैसा है, मतलब कि वह सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बारे में बताता है। अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो हम लोग देख चुके, हम लोग जानते हैं उसको अल्केन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहे तो हम लोग जानते हैं उसको अल्कीन कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम लोग जानते हैं उसको अल्काइन कहते हैं। तो इसी को दर्शाता है प्राइमरी सफिक्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है, जो मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसमें जो कार्बन एटम्स मौजूद है, क्या उसमें टोटल सिंगल बॉन्ड है, क्या वो अल्केन है, क्या वो उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है तो क्या वो अल्कीन है, क्या उसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या वह अल्काइन है। तो इसी को दर्शाता है यह प्राइमरी सफिक्स। इसलिए यहां पर जो है जोड़ लेंगे कि इन द पेरेंट चेन, यहां पर क्या जोड़ेंगे, इन द पेरेंट चेन या तो कार्बन चेन, इन द कार्बन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह दर्शाता है बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन के बीच में जो उपस्थित रहता है कार्बन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी को हम लोग दो कॉलम में लिख लेते हैं कि अल्केन में है तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, अल्कीन में है तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे और अल्काइन में है तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे। बनाते हैं दो कॉलम, यह है आपका बॉन्डिंग और यह हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स का नाम, प्राइमरी सफिक्स का नाम कि प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, है ना। तो इसी को हम लोग देखते हैं कि अगर जो कार्बनिक यौगिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, अगर उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड सी रहे, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर टोटल कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। और इसके लिए प्राइमरी सफिक्स में जोड़ते हैं ए एन, क्या जोड़ते हैं, ए एन ई। उसके बाद अगर कार्बन में डबल बॉन्ड हो कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड हो और मिनिमम एक होना चाहिए तो उसको हम लोग अल्कीन कहते हैं और इसके लिए ई एन ई जोड़ते हैं प्राइमरी सफिक्स में। इसके लिए यहां पर क्या जोड़ते हैं, ई एन ई जोड़ते हैं। उसी तरह से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट कार्बन चेन में या तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर एक भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग अल्काइन कहते हैं और इसके लिए प्राइमरी सफिक्स में वाई एन ई जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, वाई एन ई।
तो यह है आपका बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन के बीच का, और यह है आपका प्राइमरी सफिक्स कि क्या जोड़ना है। अल्केन ला एन जोड़ेंगे, अल्कीन ला एन जोड़ेंगे, अल्काइन ला वाई एन जोड़ेंगे। यह आपका तीसरा भाग, बस इतना ही। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, यह दर्शाता है कार्बन के बीच के बॉन्डिंग का। और फिर से मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो पढ़ चुके हैं प्राइमरी सॉरी प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं, वर्ड रूट पढ़ चुके हैं और प्राइमरी सफिक्स पढ़ चुके हैं, और तीनों में जितना फॉर्मूला और जितना नाम लिखे हैं यानी प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स जितना इस तरह से कॉलम बना के लिखे हुए सभी को याद करना मस्ट है। अगर वह याद नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के समय दिक्कत आएंगी, तो उन दिक्कतों का सामना न करें इसलिए सभी छात्र या छात्राएं सभी जो है सो इन तीनों को जो कॉलम में लिखा गया टोटल को याद कर ले। फिर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो।